नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी रसोई में। और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है लौकी की कोफ्ता करी। ये बनाने में बहुत ही आसान होती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो अब ये बनती कैसे है ये जानने के लिए मेरे साथ पूरी रेसिपी में बने रहिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी रसोई में। और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है लौकी की कोफ्ता करी। और इसे बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो ये है। मैंने 200 ग्राम लौकी को अच्छे से काट के धो के घिस लिया है। उसके बाद मैंने एक ये मीडियम साइज़ के प्याज को घिस लिया है। दो मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। ये 15 से 20 कली लहसुन की ले ली है। थोड़ा सा अदरक ले लिया है। दो हरी मिर्च ले ली है। साथ में ये एक तेज पत्ता ले लिया है। दो साबुत लाल मिर्च ले ली है और दालचीनी ले लिया है। और साथ में ये 2/3 कप मैंने बेसन ले लिया है। थोड़ा सा और बेसन ले लिया है कि यदि ज़रूरत लगे तो और इसमें डाला जा सके। तो चलिए विधि को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लौकी ले लेते हैं और ग्रेटेड लौकी ले लेते हैं और इसमें इस ग्रेटेड प्याज को मिला देते हैं। उसके बाद इसमें हम इस बेसन को डाल देते हैं। इस बेसन में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। एक चौथाई चम्मच के करीब हल्दी डाल देते हैं। आधा चम्मच के करीब धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं। आप हरी मिर्च भी इसमें काट कर डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मैं सिर्फ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लीजिए। याद रखिए दोस्तों, लौकी में अपना खुद का बहुत पानी होता है, तो आप लोग बैटर बनाते वक्त शुरू में ही पानी न डालें। अगर ज़्यादा आप पानी कर देंगे तो ये बैटर गीला हो जाएगा और पकौड़े अच्छे से बनेंगे नहीं। इसीलिए आप बैटर बनाते वक्त पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। सबसे पहले तो बिना पानी के मिला लें, अगर फिर भी पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी मिलाएं। मेरा बैटर बिना पानी के ही बन के तैयार हो गया है। बैटर बन के तैयार हो गया है दोस्तों, अब हम इसके पकौड़े छान लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए दोस्तों मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें तेल डाल लेते हैं। हमें पकौड़ों को डीप फ्राई करना है। तेल गर्म हो रहा है दोस्तों। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों और अब हम इसमें ये पकौड़े डाल लेते हैं। अभी मेरा फ्लेम हाई है लेकिन हम इसको मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पे क्या होता है कि पकौड़े जो होते हैं ऊपर से जलने जैसे हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके ही छानें। पकौड़ों को पलट लेते हैं अपसाइड डाउन ओनली। तो पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं दोस्तों। इसको पलट पलट कर मैंने सेक दिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो पकौड़ियाँ मैंने निकाल ली है दोस्तों। अब इन पकौड़ियों को छनने के लिए हम दूसरी गैस पर रख देते हैं और इस पर करी बनाते हैं। पकौड़ियाँ हमारी दूसरी गैस पर हो रही हैं दोस्तों और इस गैस पर मैंने करी बनाने के लिए पैन चढ़ा दिया है। पैन गर्म हो गया है दोस्तों। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल लेते हैं। जीरे को होने देते हैं। जीरा हो गया है, इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं।
दालचीनी डाल देते हैं और ये तेजपत्ता डाल देते हैं। और कुछ सेकेंड्स बाद ये प्याज इसमें डाल देते हैं और 2 मिनट तक इसको भुनने देते हैं। ये जो अदरक लहसुन और मिर्च हमने ली थी इसको या तो दोस्तों हम पीस लेंगे या फिर कूट लेंगे। तो प्याज को भुनते हुए 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, और अब मैं इसमें यह कूटी हुई अदरक लहसुन मिर्च डाल देती हूँ। इसको मिला देती हूँ और एक बार फिर से 2 मिनट के लिए इसको भुनने देती हूँ। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है क्योंकि मेरा जो आँच है वो तेज है, आप मीडियम पे भी कर सकते हैं और हाई पर भी कर सकते हैं। तो प्याज हमारी हो गई है दोस्तों, अब इसमें मैं ये टमाटर डाल देती हूँ, मिला देते हैं इसको। और इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखें कि आपने पकौड़ों में भी नमक डाला हुआ है। नमक को मिला दीजिए और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको लिड से ढक दीजिए टमाटर के गलने तक। बीच बीच में इसको हटा हटा कर एक दो बार चलाना भी है। तो लिड को हम हटाते हैं, टमाटर हमारी गल गई है और अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, तीखा आप अपने खाने के हिसाब से रख लें, 1/2 चम्मच धनिया, 3/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा। इसको मिला लेते हैं बिल्कुल, ज़रा सा इसमें पानी डाल लेते हैं। अच्छी तरह से दोस्तों इसे मिला लेते हैं और एक बार फिर से इसको लो फ्लेम पर हम लिड से ढक देते हैं ताकि मसाला हमारा अच्छे से तेल छोड़ दे। लगभग 4 से 5 मिनट बाद मैंने लिड को हटाया। देखिए दोस्तों तेल ऊपर ही ऊपर चमक रहा है, इसका मतलब मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, लगभग 1.5 कप के करीब पानी मैं इसमें डालूंगी। पानी डाल दिया है दोस्तों, अब आँच को आप फुल कर दीजिए और इसे लिड से ढक दीजिए ताकि ये उबल जाए। तो मैंने लिड को हटा दिया है और करी हमारी उबलने लगी है। अब इस करी में हम इन पकौड़ों को डाल देते हैं। पकौड़ों को डालकर कुछ सेकेंड्स बाद आप गैस को बंद कर दें और अब इसको पकौड़ों को डालने के बाद ज़्यादा देर तक गैस को ऑन नहीं रखना है और अब इसको लिड से ढक दें ताकि पकौड़े जो हैं वो जूस को अच्छे से सोक कर लें। 2 मिनट के लिए इसे लिड से ढक देना है। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, लिड को हटाते हैं। देखिए हमारी कितनी सुंदर सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर से धनिया से गार्निश कर देते हैं और अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारी लाजवाब कोफ्ता करी बनके तैयार हो गई है। देखिए इसका टेक्सचर कितना सुंदर है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे खाने में तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है।
तो प्लीज़ आप भी अपने घर में इसको बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ला सकूं। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।